Hey everyone, welcome back to our channel Tri-City Property Guru. मैं हूं आपकी होस्ट तरन्नुम एंड आज दोबारा हाजिर हो गई हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर. सो गाइज, आज मैं आपको लेकर आई हूं खरड़ लांड्रा हाईवे पे, जहां पे आज मैं आपको दिखाने वाली हूं एक फुल डिलीवर्ड सोसाइटी जिसके अंदर आपको इन्वेंट्रीज मिल जाएंगी 2 BHK एंड 3 BHK. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं. खरड़ लांड्रा हाईवे की बात करी थी, तो मेरे पीछे ये जो आप रोड देख रहे हैं ये आपका खरड़ लांड्रा हाईवे है. जैसे कि आप इस हाईवे के बारे में जानते ही होंगे, अगर आप यहाँ से सीधा चले जाते हैं तो 3 किलोमीटर पे हार्डली आपका खरड़ बस स्टैंड आ जाता है. PR7 को कनेक्ट कर सकते हैं. इस तरफ से अगर आप सीधा जाएंगे तो आगे जाके आप दिल्ली हरियाणा साइड को एक्सेस कर सकते हैं, फर्दर मोहाली को जा सकते हैं. मतलब कनेक्टिविटी आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिलने वाली है. इस तरफ से अगर आप जाएंगे तो हिमाचल की कनेक्टिविटी यहाँ से आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है. फर्दर पंजाब की कनेक्टिविटी यहाँ से आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है. नियरबाई प्लेसेस की बात करेंगे तो आपके स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यहाँ पे आपको सारी ही चीज़ें नियरबाई में मिल जाएंगी. मार्केट आपको प्रोजेक्ट के बाहर भी काफ़ी बड़ी मिल रही है एंड प्रोजेक्ट के अंदर भी आपकी काफ़ी बड़ी मार्केट ऑलरेडी रहने वाली है. तो डेली नीड का जितना भी सामान होता है उसके लिए आपको बाहर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है. अंदर ही मैं मार्केट आपको दिखाऊंगी भी अंदर जैसे हम जाएंगे. तो गाइस, एक तो ये रोड था, एक आपका दूसरा रोड है जो प्रोजेक्ट के जो बैक गेट है उसके साथ कनेक्टेड रहेगा. जो आपका स्टार्ट तो लांड्रा हाईवे से ही होता है बट आगे जाके आपके एयरपोर्ट रोड को टच करता है, तो वो एक ईजी कनेक्टिविटी आपको यहाँ से मिलने वाली है. आपको इतना घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपको एयरपोर्ट रोड की तरफ जाना है आप सीधा वहाँ से आगे जाके कनेक्ट कर सकते हैं. वो रोड भी मैं आपको दिखाऊंगी. तो आइए चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर एंड बाकी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करवाती हूँ. आइए. सो गाइज, जैसे कि आप मेरे पीछे हमारा मेन एंट्री एंड एग्जिट गेट देख सकते हैं, पूरी ही सोसाइटी का पूरी गेटेड टाउनशिप आ जाएगी जिसमें आपको डिफरेंट एमिनिटीज़ मिलने वाली हैं एंड द बेस्ट थिंग, सारी आपको फर्स्ट डे से ऑपरेशनल मिलेंगी. क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा आपका डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको इन्वेंट्रीज मिल जाएंगी. बट अंदर आपको लेके जाने से पहले मैं बता देती हूँ कि सोसाइटी में आपको एमिनिटीज़ क्या क्या मिलने वाली हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरी गेटेड टाउनशिप है, गेट के पास ही आपके वेटिंग एरियाज भी बने हुए हैं प्रॉपर सिटिंग के लिए. कभी भी आपको कैब वगैरह के लिए वेट करना हो तो वहाँ पर आप प्रॉपरली बैठ सकते हैं. ये जो आप एरिया देख रहे हैं काफ़ी ही ब्यूटिफुली इन्होंने एंट्री पार्ट को डेकोरेट कर रखा है विद ग्रीनरी. आप यहाँ पर रोड देख सकते हैं, आपका एंट्री रोड अलग रहेगा, एग्जिट रोड अलग रहेगा. यहाँ पर आपका साइकिल डॉक सिस्टम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं. एंड गाइज, आपकी सिक्योरिटी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे 24/7 एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड की जाती है एंड ई रिक्शा की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है. कभी भी आपको गेट तक जाना हो या गेट से अपने अपार्टमेंट तक जाना हो तो आप ई रिक्शा का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं. सो गाइज, ये तो थी बाहर की बातें. आपने मेन एंट्री एंड एग्जिट गेट देख लिया, कुछ अम्यूनिटीज़ भी मैंने आपको बता दी. अब बाकी सारी चीज़ें आपकी क्या क्या रहने वाली हैं वो हम अंदर चल के पता करेंगे एंड सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी भी. तो आइए चलते हैं. सो गाइज, कुछ इस तरीके का लुक रहेगा सोसाइटी का, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं. हाई राइज, लो राइज दोनों टावर्स रहेंगे यहाँ पे. पार्किंग सारी स्ट्रीट में आ जाएगी. एंड अगर मैं रोड की भी बात करूँ, आप देखिए कितने वाइड रोड रहने वाले हैं सोसाइटी के अंदर भी. बात करी थी मैंने आपके साथ अम्यूनिटीज़ की, तो आपको बहुत सारी अम्यूनिटीज़ प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाली हैं. तो आइए चलते हैं, एक एक करके आपको दिखाती हूँ. सबसे पहले हम चलेंगे क्लब हाउस में. एंड गाइज, यहाँ जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है ग्रैंड क्लब हाउस. आइए चलते हैं अंदर एंड इसके अंदर आपको क्या क्या एमिनिटीज़ मिलने वाली हैं वो मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ. आइए. सो गाइज, जैसे ही आप क्लब हाउस में एंट्री करते हैं यहाँ पे रहेगा आपका इंडोर गेम्स के लिए स्पेस, जहाँ पे आप टेनिस ये कोर्ट देख सकते हैं, आपका स्नूकर टेबल देख सकते हैं, जहाँ पे आप अपना क्वालिटी टाइम इंजॉय कर सकते हैं. पूरे ही क्लब हाउस में आपका जो एसी रहेगा वो सेंट्रलाइज्ड रहने वाला है एंड यहाँ पे जो आपका फ्लोरिंग है ये सारा वुडन का आ जाएगा. आइए चलते हैं आगे. एंड सेकेंड फ्लोर पे यहाँ पे आपके पास रूम्स अवेलेबल रहेंगे डिफरेंट टाइप्स के. अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा गेस्ट आते हैं तो यहाँ पर आप उनको स्टे करवा सकते हैं. एंड देन टॉप फ्लोर पर यहाँ पर रहेगा स्विमिंग पूल
आप देखिए कितना ब्यूटीफुल नजारा रहने वाला है एंड कितना बड़ा स्विमिंग पूल आपको मिल रहा है। दो सेक्शंस हैं, एक आपका छोटे बच्चों के लिए आ जाएगा, देन ये आपका एडल्ट्स के लिए रहेगा। चेंजिंग रूम्स भी यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइडेड रहेंगे इन केस आप स्विमिंग करते हैं तो यहाँ पे चेंज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप फ्लोरिंग सारी देख रहे हैं ये भी आपकी सारी वुडन की फ्लोरिंग रहने वाली है। एंड फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे रहने वाला है जिमनाजियम, आप देख सकते हैं फुली इक्विप्ड है, पूरे इक्विपमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जब भी आप यहाँ पे घर परचेज करेंगे, फ्लैट परचेज करेंगे तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में, जैसे कि अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो जिमनाजियम का यूज़ कर सकते हैं। देन ये रही आपकी बेसमेंट जहाँ पे पार्टी हॉल प्रोवाइडेड रहेगा। आप देख सकते हैं कितना बड़ा हॉल है, अराउंड 60-70 पीपल्स की गैदरिंग यहाँ पे इजीली हो सकती है। आपकी कोई भी पार्टी है, कोई भी बर्थडे है, कोई भी रिंग सेरेमनी है, आप यहाँ पे इजीली उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो गाइज ये था हमारा क्लब हाउस जिसको एक्सेस करने के लिए आप लिफ्ट का भी यूज कर सकते हैं, स्टेयरकेस भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। सो ये तो आप देख चुके हैं, अब आइए चलते हैं आगे एंड बाकी अमेनिटीज भी आपको एक्सप्लोर करवाती हूँ, आइए। सो गाइज आफ्टर आर क्लब हाउस ये है हमारे प्रोजेक्ट का बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड एरिया जहाँ पे आप ये पार्क देख सकते हैं, जहाँ पे आपके डिफरेंट सिटिंग स्पेसेस भी बने हुए हैं। एंड यहाँ पे इस साइड आ जाएंगे आपके स्पोर्ट्स के लिए स्पेसेस, जहाँ पे आप ये बैडमिंटन कोर्ट देख सकते हैं, वहाँ पे आपका बास्केटबॉल कोर्ट आ जाएगा। एंड साइज की अगर मैं बात करूँ तो साइज भी इनका काफ़ी बड़ा है, जहाँ पे जब भी आपके पास टाइम हो आप स्पोर्ट्स भी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे सोसाइटी के अंदर ही। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सोसाइटी है पूरी डिलीवर्ड है, तो लोग यहाँ पे रहते हैं, अपना घर यहाँ पे सेटअप कर चुके हैं। जैसे अगर आप आसपास नज़र देंगे यहाँ पे तो आपको विश्वास हो ही जाएगा। सो इसी सोसाइटी के अंदर आज हम आपको दिखाने लाए हैं फ्लैट्स, तो जिनमें से कुछ एमिनिटीज़ मैं आपको दिखा चुकी हूँ एंड कुछ अभी दिखानी आपको बाकी है, तो आइए चलते हैं बाकी एमिनिटीज़ भी दिखा देती हूँ आपको। सो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट के अंदर आपको काफ़ी बड़ी मार्केट मिल जाएगी जहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी। तो जैसे हम स्टार्टिंग से अगर शुरू करें तो यहाँ पे आपको एक टेलर शॉप मिल जाएगी, एक बुटीक काइंड ऑफ। उसके बाद यहाँ पे आपकी काफ़ी सारी शॉप्स आ जाएंगी, सामने आप देख सकते हैं वहाँ पे आपका बाबर शॉप भी है, उस तरफ आपकी सारी डेली नीड्स की शॉप्स आ जाएंगी। फास्ट फूड अगर आपको खाना है तो उसके लिए भी आपको अंदर ही फूड कोर्ट्स मिल जाएंगे। तो ये फैसिलिटी भी आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही प्रोवाइड की जा रही है, मतलब आपके जितने भी डेली यूज के काम होते हैं उसके लिए आपको बाहर बिल्कुल भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, सारी ही चीज़ें आपको अंदर ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी प्रोजेक्ट के अंदर। सो गाइज अब हम खड़े हैं हमारे सेकेंड पार्क में, जहाँ पे एक तरफ आ जाएगा किड्स प्ले एरिया, जहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के झूले यहाँ पे आपके बच्चों के लिए लगे हुए हैं, ताकि सिर्फ आप ही नहीं आपके बच्चे भी इंजॉय कर सकें यहाँ पे रहते हुए। एंड बात करूँगी फ्लोरिंग की, तो यहाँ पे जो फ्लोरिंग है सारी रबराइज्ड आ जाएगी, तो अगर कभी भी खेलते वक्त बच्चे गिर भी जाएं तो भी उनको चोट नहीं लगेगी, बच्चों की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाएगी। एंड सेकेंड साइड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पार्क, जहाँ पे सिटिंग के लिए भी काफ़ी अच्छे स्पेसेस बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन भी किया हुआ है पार्क को, तो कभी भी आपको बाहर टहलने का मन हो, आपके बच्चों को खेलना हो, तो यहाँ पे बैठ के आप उन पे नज़र भी रख सकते हैं उनके खेलते वक्त। एंड गाइस उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा स्कूल, ये आपका प्री नर्सरी स्कूल है बच्चों के लिए, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं आप उनको कहीं बाहर नहीं भेज सकते क्योंकि सिक्योरिटी का बड़ा मसला होता है, तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही स्कूल मिल रहा है जहाँ पे आप अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन दे सकते हैं, बेसिक चीज़ें सिखा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही यहाँ पे मिल जाती है। सो गाइज अगर आप भी एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर ही यहाँ पे टेम्पल भी प्रोवाइडेड है, मतलब जहाँ पे आप रहेंगे आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अगर आपको मंदिर वगैरह भी जाना है आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही मंदिर भी मिल जाएगा, जैसे कि आप मेरे पीछे यहाँ पे देख ही सकते हैं। सो गाइज जिमनाजियम मैंने आपको क्लब हाउस में तो दिखाया ही था, बट यहाँ पे आपको ओपन एयर जिम भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी आपको वर्कआउट करना हो, कभी भी आपको एक्सरसाइज करनी हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्लब हाउस में जाएं तभी आप जिम में जाके करें, अगर आपको ओपन एयर में करनी है तो आप इसका यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। सिटिंग के लिए भी यहाँ पे आपके प्रॉपर स्पेसेस बने हुए हैं एंड यहीं पे आपका एम्फी थिएटर भी आ जाएगा। सो गाइज ये थी हमारी एमिनिटीज़, मैं आपको सारी चीज़ें पूरी दिखा चुकी हूँ, लाइव आप सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ प्रोजेक्ट के एग्जिट गेट के ऊपर, जो आपका सेकंड गेट रहेगा बैक साइड का, उसके साथ एक रोड कनेक्टेड है गाइज, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो सीधा जाके आपका TDI को कनेक्ट करता है एयरपोर्ट रोड को, तो वो भी आपको यहाँ पे एक कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, आइए। तो गाइज ये रहेगी प्रोजेक्ट की सेकेंडरी एंट्री, जैसे कि आप मेरे पीछे यहाँ पे गेट देख सकते हैं, ये आपकी बैक साइड की एंट्री है। जैसे कि मैंने आपको एक रोड के बारे में बताया था, तो यहाँ पे आपका वो रोड आ जाएगा।
अगर आप इस रोड में सीधा चले जाएंगे तो आप वो लांड्रा हाईवे को टच कर लेते हैं, एंड देन यहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे तो आगे जाके ये रोड आपके एयरपोर्ट रोड को कनेक्ट करता है TDI के पास जाके। अभी तो आप देख रहे होंगे कि ये छोटा सा रोड है, बट आने वाले टाइम में ये रोड 100 feet वाइड प्रपोज है, तो ये भी एक कनेक्टिविटी आपको प्रोजेक्ट के पास से मिल जाती है। सो गाइज, ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट, जिसमें मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको 2 BHK एंड 3 BHK इन्वेंट्रीज मिल जाएंगी। पूरा आपका डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको 2 इन्वेंट्रीज मिल रही हैं, काफ़ी सारी अम्यूनिटीज रहेंगी। आपको एक एक करके मैं सारी चीज़ें दिखा भी चुकी हूँ। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप विजिट करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।